अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल योर वेल विशर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। नाजरीन, अगर आपको कोई काम अटका हुआ है और वो काम पूरा नहीं हो रहा है, आपका वो काम सालों से अटका हुआ है और आपको उस काम में कामयाबी नहीं मिल रही हो, हजारों तकों दो कोशिशों के बावजूद भी अगर वो आपका काम पूरा ना हो रहा हो, तो आज हम आपको ऐसा वो बताएंगे जिसके करने से इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको वो काम पूरा हो जाएगा। नाज़रीन, इस अमल की इजाज़त आम है, यानी इस अमल के लिए आपको किसी से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। करना आपने ये है कि सूरह अनफाल की आयत नंबर 66 एक हफ्ता तक, सूरह अनफाल की आयत नंबर 66 एक हफ्ता तक हर नमाज के बाद पढ़ी जाए। यह अमल जुम्मा के दिन फजर से शुरू करना है तो इंशाअल्लाह इस अमल के करने से आपके जुम्मा काम आप पर अल्लाह ताला आसान फरमाएगा और वो उस काम को आराम से पूरा करेगा जो काम आपको अटका हुआ है। अमल आपको एक दफा फिर बता देता हूँ, सूरह अनफाल के आयत नंबर 66 एक हफ्ता तक हर नमाज के बाद पढ़ी जाए। ये आयत सिर्फ एक दफा पढ़ना है। ये अमल आप जुम्मे के दिन फजर की नमाज से शुरू करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसे हजरत जिन्होंने हमें दुआ का कहा हुआ है तो हमारी उन लोगों के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनके जो मसाइल हैं उनको हल फरमाए और जिस मकसद के लिए कोई अगर वो वजीफा कर रहे हैं तो अल्लाह पाक उस वजीफे के सबब अल्लाह पाक उनके मसाइल हल फरमाए और उनके जायज ख्वाहिशात पूरी फरमाए। अगर कोई किसी परेशान में मुबतला है तो अल्लाह पाक उसकी परेशानियां दूर फरमाए। तो नाज़रीन, आप लोग से गुजारिश है कि आप कमेंट्स में आमीन जरूर लिख दिया करें, शायद किसी की आमीन से उन लोगों के मसाइल हल हो जाए।